आज हम पहुंचे कीर्तिनगर। कीर्तिनगर कहाँ भाई? हम आपको कीर्तिनगर में एक ऐसी जगह लेके आए हैं जहाँ पे आइटम्स तो मिलती हैं नॉन वेज की, और मिलती हैं काफी डिफरेंट। यार आज हम खिलाएंगे आपको चिकन टिक्का। चिकन टिक्का भी कैसा, नान में लिपटा हुआ। भाई यहाँ पे जो आपको आइटम्स मिलेंगे ना, वो काफी डिफरेंट मिलेगी। जैसे इनका नाम है ना, वैसे इनका काम है। वीडियो को पूरा देखना, काफी मजा आएगा। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हंसते रहो, मस्त रहो। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल खाना बदोश में। ये है दीपक, मैं हूँ यतिन। आज हम पहुंचे हैं कीर्तिनगर। भाई हम आए हैं कीर्तिनगर टैगोर मार्केट में। यहाँ पे एक फूड जॉइंट है जिसके पास आइटम्स मिलती हैं नॉनवेज की, काफी डिफरेंट है। बढ़िया से इन्होंने नाम रख रखे हैं उन आइटम्स के। हम आए हैं गनशॉट टिक्का पे। स्पेशलिटी जो है ना इनकी, इनकी है नॉनवेज डिशेस में। तो चलते हैं इनके ऑनर के पास, कुछ बातचीत करते हैं, किचन के कुछ ग्लिम्स लेते हैं, आप लोगों को टेस्टिंग करके बताते हैं। भाई हम आ चुके हैं इस समय गनशॉट टिक्का के ऑनर के पास, अमन जी के पास। सर नमस्कार, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल खाना बदोश। थैंक यू सर। एक बार एग्जैक्ट लोकेशन बताएंगे यहाँ की क्या पड़ती है? एग्जैक्ट लोकेशन है रमेश नगर मेट्रो स्टेशन, पिलर नंबर 338 के ठीक ऑपोजिट। तो भाई पिलर नंबर 338 है, उसके जस्ट अपोजिट पड़ता है गनशॉट टिक्का। सर शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत हुई थी बहुत बेसिक, तीन चार आइटम से, हिम्मत सिंह, मूसे वाला और गनशॉट, जो हमारे बेसिक मोस्ट हॉट सेलिंग तीन टिक्के हैं। तो आफ्टर दैट बनाते बनाते आज करीबन 225-250 से ज़्यादा शायद आइटम्स है हमारे पास, खाली स्नैक्स। स्नैक्स में ही, स्नैक्स में 250 आइटम है। और मेन कोर्स में? मेन कोर्स में अबाउट 12-15 आइटम्स है। तो सर बहुत बड़ा एक वाइड रेंज का मेन्यू हो गया अपने पास, कि कोई भी यहाँ पे आएगा तो निराश होके नहीं जाएगा, उसने जो खाना है वही यहाँ पे खाएगा। सर ये चीज़ मैं ज़रूर पूछना चाहता हूँ, इसका नाम आपने गनशॉट टिक्का ही क्यों रखा? गनशॉट टिक्का इसलिए रखा कि माइंड में चल रहे थे उस टाइम कि ये टाइप का, वो टाइप का, बहुत सारे नेम्स आ चुके हैं मार्केट में, तो एक डिफरेंट, एक यूनिक नेम। बोर्ड भी हमारा देखोगे या नीचे साइन देखोगे केटरिंग का, तो उस पर भी हमने ऐसा ही कुछ दिया हुआ है, थोड़ा सा भड़कीला टाइप कि गनशॉट टिक्का, समथिंग यू नो स्पेसिफिक, कि ये वाइब्रेंट सा नाम है, बड़ा अटैक करता है मार्केट को। तो काफ़ी डिफरेंट सा नाम है इनका। भाई आगे पीछे आप देखेंगे ना तो बड़ी दुकानों के ये नाम होते हैं कि सिंह चिकन कॉर्नर है ऐसे, बट सरदार जी ने यहाँ पे नाम रखा है गनशॉट टिक्का। और जो इनकी आइटम्स है ना वो भी काफ़ी डिफरेंट है, जैसा कि हम देख रहे थे कि यहाँ पे मूसे वाला टिक्का है, गनशॉट टिक्का है, हिम्मत सिंह टिक्का है, तो ये सब आइटम है इनके पास। सर स्पेशलिटी अपनी किस में है? स्पेशलिटी टिक्कों में भी है, चाइनीज़ में भी है, बेसिकली वो आइटम्स में है जो मार्केट में किसी के पास नहीं है। तो जैसे कि एक दो आइटम्स बताएं जो सब लोग बेच रहे हैं, हम वो नहीं बेचते। चिकन टिक्का, मलाई टिक्का, अफगानी चिकन तंदूरी, आप मेन्यू देखेंगे तो सबसे नीचे मेन्यू में आपको वही आइटम्स मिलेंगे, ऊपर आपको सारी यूनिक आइटम्स मिलेंगी। हिम्मत सिंह टिक्का, मूसे वाला टिक्का, गनशॉट टिक्का, ट्रॉय का एक नई आइटम है, चिली चिकन टिक्का एक आइटम है, तो आइटम्स लाइक दीज जो मार्केट में है ही नहीं। तो सर आप क्या चाहेंगे कि हम कौन सी आइटम्स यहाँ पे ट्राई करें? आज हम आपको स्पेशलिटी में खिला रहे हैं चिली चिकन टिक्का, ठीक है, फिर खिला रहे हैं एक ट्रॉय का आपको। ट्रॉय का इज नॉन रैप्ड इन हॉट गार्लिक, ठीक है, ये भी हमारा तंदूर की एक आइटम है। उसके अलावा फिर हम आपको दे रहे हैं तंदूरी सीख कबाब और हमारे क्रम्पी मोमोज। तो एक क्रम्पी मोमो का साइज इतना है, आप किसी को मारेंगे तो उसको लग जाएगा, इतना बड़ा साइज है उसका, इतना बड़ा साइज है उसका, ठीक है सर। और मेन कोर्स में? सर मेन कोर्स में हम आपको खिला रहे हैं मटन बोनलेस टिक्का मसाला एंड साथ में चंगेजी कीमा चिकन। तो भाई ये 6-7 आइटम है जो हम यहाँ पे अपने लगवाएंगे, जो यहाँ की स्पेशलिटी है, बट जो इनका मेन्यू है ना काफ़ी वाइड मेन्यू है, अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आप निराश होकर नहीं जाएंगे, बहुत सारी आइटम है यहाँ पे। सर एक बार टाइमिंग बता देंगे क्या होती है? टाइमिंग दोपहर को 1:30 से लेकर रात को 12 बजे तक, तो नॉन स्टॉप होता है? नॉन स्टॉप। स्विगी जोमेटो पे अवेलेबल है? स्विगी जोमेटो नहीं, अपनी डिलीवरी है ऑल ओवर दिल्ली NCR एवरीवेयर। तो भाई स्विगी जोमेटो पे अवेलेबल नहीं है, काफ़ी बढ़िया यहाँ पे पार्किंग की जगह है, आप यहाँ पे आओ अपना मील इन्जॉय करो। अब अपना मील लगवाते हैं अंदर, देखते हैं कि कैसे बन रहा है, फिर उसके बाद टेस्टिंग करके आप लोगों तक पहुँचाते हैं। थैंक यू सर। भाई ये बनने जा रहा है हमारा मटन भुना मसाला, ये चॉप किया हुआ जो भैया ने मसाला रखा हुआ है, प्याज टमाटर का वो डाल दिया है, साथ में डाल दिया है थोड़ा सा इसमें अदरक, थोड़ा सा हरी मिर्च, तेज पत्ता डाला हुआ है जी भैया ने, इसमें डाल दिया मसाले। ये आ गया भाई मटन का कीमा, ये आ गए भाई मटन के टिक्के, इसमें बोनलेस मटन है, ये आ गई भाई थोड़ी सी इसमें टमाटो ग्रेवी। भाई लुक वाइज अगर देखें ना तो काफ़ी अमेजिंग लग रहा है, और होप करता हूँ कि खाने में भी काफ़ी बढ़िया होगा।
ये आ गई जी बटर और क्रीम, और ये आ गया ऊपर से हरा धनिया, ये अदरक के लच्छे जी, बहुत बढ़िया भाई। कलर देखो गाइस इसका कितना बढ़िया लग रहा है देखने में, कि मतलब आंखों को तो पसंद आ चुका है। भाई ये है ट्रॉय का, ये यहाँ की स्पेशलिटी है। पहले टिक्का रोस्ट हुआ है, उसके ऊपर नान लगा है वो रोस्ट हुआ है, फिर ऊपर से लग गया इस पर बटर, अब आ जाएगा थोड़ा सा इस पर मसाला। ये आ गया भाई थोड़ा सा हरा धनिया, अदरक के लच्छे, ये आ गई भाई थोड़ी सी हरी मिर्च, और ये देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है। जितना ये बढ़िया लग रहा है, होप करता हूँ उतना खाने में भी बढ़िया हो। भाई फाइनली जो टेबल है ना हमारी सज चुकी है, फूड मंगवा लिया हमने अपने टेबल पे। एक बार आप लोगों को दिखा देते हैं हमने क्या क्या मंगवाया। भाई ये है यहाँ की स्पेशल आइटम ट्रॉय का, जो कि काफ़ी लोग यहाँ पे पसंद करते हैं। ये कॉस्ट करता है 599 का। नेक्स्ट आइटम पे आते हैं, ये है हमारे पास तंदूरी कबाब। ये देखो भाई शक्ल देख रहे हो उसकी कितनी शानदार है। ये कॉस्ट करती है 239 की। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास, ये है चिली चिकन टिक्का। ये हमने हाफ लिया, ये कॉस्ट करता है 329 का। बहुत अच्छे से इसकी प्रेजेंटेशन हो रखी है भाई। नेक्स्ट आइटम हमारे पास है मटन टिक्का मसाला, ये कॉस्ट करता है 429 का। भाई नेक्स्ट आइटम पे अपने आते हैं, ये है हमारी चंगेज़ी, ये कॉस्ट करती है 330 की हाफ। अब आते हैं भाई मोमोज पे। मोमोज तो आपने देखे होंगे, ये मोमोज देखो कितने बड़े मोमोज हैं, क्रम्पी मोमोज। ये कॉस्ट करते हैं 120 रुपये के हाफ प्लेट, तीन पीसेज आते हैं उसमें। साथ में इसके हमें मिली है ये चीज़ डिप मेयोनीज, और ये चटनी मोमोज वाली। साथ में हमने इसके मंगवाया ये मालाबार परांठा, जो कि 50 रुपये का है, 50 रुपये का। और साथ में हमने मंगवाई है तंदूरी रोटी। तो भाई देखने में जो फूड है ना काफ़ी बढ़िया लग रहा है, तो टेस्टिंग करते हैं आप, क्योंकि ठंडा हो जाएगा ना तो मज़ा नहीं आएगा। तो भाई शुरुआत करते हैं, मैं लेता हूँ इनका ये जो चिली चिकन है ना, देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है, काफ़ी अच्छी इन्होंने प्रेजेंटेशन कर रखी है। ऊपर से इसमें प्याज डाले हुए हैं, शिमला मिर्च डाली हुई है, अदरक के लच्छे डाले हुए हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। तो ये ट्राई करता हूँ भाई मैं, और मैं लेता हूँ इनका ये चिकन कबाब। काफ़ी बढ़िया फ्लेवर है इसका, एक बहुत बढ़िया मसाले जैसे लगे हुए हैं। सिंपल सा जैसे कबाब होता है ना, उसको इन्होंने अच्छे से बनाकर पेश किया हुआ है। बड़ा ही जूसी कबाब है और मुंह में जाके घुल रहा है। भाई बात करें इनके चिली चिकन की ना, सबसे पहले क्या है कि चिकन जो है ना काफ़ी सॉफ्ट है। ये चिकन टिक्के का पीस है भाई, इसको इन्होंने ना चिली चिकन बनाया हुआ है, और जो फ्लेवर इसमें दे रखे हैं ना काफ़ी बढ़िया दे रखा है। थोड़ा सा स्वीटर साइड पे मेरे को लग रहा है, बट काफ़ी अच्छा एक फ्लेवर आ रहा है। जो इन्होंने इसमें वेजिटेबल्स डाली हुई है ना, ऊपर से अदरक डाले हुए हैं, शिमला मिर्च डाली हुई है, प्याज डाली हुई है, काफ़ी अच्छा भाई। प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छी है, प्रिपरेशन भी काफ़ी बढ़िया है इनकी। भाई आते हैं अपनी नेक्स्ट आइटम पे, जो कि ट्राई करते हैं मोमोज ट्राई करते हैं इनके, काफ़ी बड़े मोमोज हैं भाई। ये देखो भाई साइज़ देखो पहले मोमोज का, अगर कॉस्ट देखी जाए एक मोमोज की तो 40 रुपये के आसपास पड़ती है, ठीक है। अरे भाई वर्थ है। पहली बात कि मोमोज का साइज़ काफ़ी बड़ा है। बाकी इसको खोल के देखते हैं कि इसमें क्या है। क्रिस्पी है, ये देखो भाई पूरा का पूरा चिकन भरा हुआ है इसके अंदर। ये ब्रेस्ट का पीस है पूरा का पूरा, जो कि हमने भैया ने बताया था। ये देखो ये और क्वांटिटी जो है ना चिकन की काफ़ी अच्छी इन्होंने इसमें डाली हुई है, देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है। मज़ेदार भाई। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो क्रंच आ रहा है ना मोमोज में, काफ़ी बढ़िया आ रहा है, काफ़ी अच्छा क्रंच आ रहा है। ऊपर से जो इसमें चिकन की फिलिंग हो रखी है ना, काफ़ी अच्छी फिलिंग हो रखी है। रोड साइड मोमोज नहीं है ये, थोड़ा सा कॉस्टली ज़रूर है, पर अगर आप ये मोमोज खा रहे हैं ना, सबसे बड़ी बात आपको टेस्ट भी आएगा। जो माल इन्होंने इसमें डाल रखा है ना चिकन, वो काफ़ी अच्छा डाल रखा है,
तो ये मेरे हिसाब से मुझे कॉस्टली नहीं लग रहा। ऐसी चीज़ आपको मेरे ख्याल से कहीं नहीं मिलती, अगर आपको कहीं मिलती हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताओ। बहुत ही डिफरेंट चीज़ है और इसका डिफरेंट टेस्ट है। भाई नेक्स्ट आइटम अपनी ट्राई करते हैं, ये करते हैं ट्रॉय का, जो कि यहाँ की स्पेशलिटी है। देखने में काफ़ी बढ़िया लग रही थी मुझे, एक यूनिक सी चीज़ है जो टेबल पे हमारे इस टाइम दिख रही है। इसको हमने कटवा लिया, वैसे वन पीस आता है। ये देखो जी, नान में लिपटे हुए चिकन के टिक्के। ट्रॉय का बेसिकली मतलब होता है ना तीन फ्लेवर एक साथ, तो इसमें तीनों फ्लेवर हैं। एक तो तंदूर का फ्लेवर है, दूसरा नान का फ्लेवर है। तंदूरी टिक्का इसमें डाला हुआ है, जो चिकन टिक्का है, नान ऊपर से डाल रखा है, थोड़ा सा इसमें गार्लिक का फ्लेवर है, और ये देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा था। ये ट्राई करते हैं। बहुत बढ़िया भाई, लाजवाब। अगर इसको रेटिंग देनी हो ना तो मेरी 10 में से 10 है। अभी तक की सबसे डिफरेंट आइटम है, काफ़ी अच्छे इसमें फ्लेवर्स डाल रखे हैं। बहुत अच्छा है, इसमें जो नान के साथ क्रंच आ रहा है वो काफ़ी अच्छा आ रहा है। चिकन जो है अंदर काफ़ी सॉफ्ट है, कि जो फ्लेवर प्रोवाइड कर रहा है ना काफ़ी बढ़िया कर रहा है। थोड़ा सा अगर बात करें ना मसालों की, मसाले जो है ना इसमें एनहेंस कर रहे हैं, बहुत बढ़िया एक फ्लेवर, एक बंदे के लिए सफिशियंट है मेरे हिसाब से। मेरे ख्याल से बंदा अगर ये खा लेना तो शायद दोबारा उसको और कुछ खाने की ज़रूरत ना पड़े। 599 का है, थोड़ा कॉस्टली आपको लगेगा, बट जो ये क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं ना, एक नंबर। दूसरा जो इसमें माल डाल रहे हैं ना वो काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में डाल रहे हैं, कि अगर ऐसा नहीं है कि अगर आप यहाँ पे लोगे तो आपका पेट नहीं भरेगा। भाई पेट भर जाएगा, शायद आप छोड़ भी सकते हैं इसको, मन ना भरे, बट बहुत बढ़िया। भाई नेक्स्ट आइटम हम अपने ट्राई करते हैं, इनका करते हैं चंगेज़ी चिकन। चंगेज़ी कीमा चिकन है बेसिकली। ये देखो भाई, देखने में देखो कितना बढ़िया लग रहा है। ये वो वाला चंगेज़ी नहीं है जो चंगेज़ी जो तवे पे मिलता है, मिलता है बिल्कुल दिल्ली 6 टाइप, बड़े काफ़ी डिफरेंट है। तो भाई इसको ट्राई करते हैं मालाबार परांठे के साथ। काफ़ी बढ़िया भाई मालाबार परांठे के साथ जो इसका कॉम्बिनेशन बैठ रहा है ना, काफ़ी बढ़िया बैठ रहा है। दूसरी बात, ये जो चंगेज़ी चिकन है ना, ये वो चंगेज़ी चिकन नहीं है, वो चंगेज़ी चिकन नहीं है, ये काफ़ी डिफरेंट चंगेज़ी चिकन है। इसमें जो है चिकन का कीमा डाला हुआ है, चॉप किए हुए प्याज टमाटर डले हुए हैं, विदाउट ग्रेवी है, सेमी ग्रेवी वाला ये चंगेज़ी चिकन है, और बोनलेस चिकन है। ये देखो सारा बोनलेस पीसेस डले हुए हैं इसमें, सबसे बड़ी बात ये है चिकन टिक्के के पीसेस डले हुए हैं इसमें एक तरह से, और ज़्यादा ओवर मसाले नहीं है, काफ़ी बढ़िया इसका टेस्ट है, सेटल मसाले हैं बिल्कुल, खाने में काफ़ी इजी। भाई ये जो चंगेज़ी चिकन है ना, जो चंगेज़ी चिकन लवर्स है ना वो एक बार यहाँ पे आके ट्राई जरूर करें। ये एक तरह से डिफरेंट स्टाइल ऑफ चंगेज़ी चिकन है, जो कि आपको मिलेगा गनशॉट टिक्का पे, ये पड़ती है कीर्ति नगर में। यहाँ पे आओ, अपना ये मील इन्जॉय करो, और जो इनका चिकन चंगेज़ी है वो तो हमारे हिसाब से मस्ट ट्राई हो गया। और हमें कमेंट करके जरूर बताओ इनका चिकन चंगेज़ी कैसा लगता है आपको। भाई आते हैं अपनी फाइनल डिश पे, जो कि हमारे पास मटन टिक्का मसाला। जितनी भी चीज़ें यहाँ पर दीपक मिल रही हैं सारी की सारी एक अलग ही है। भाई जब ये बन रहा था ना तो इसकी खुशबू जो थी ना काफ़ी बढ़िया आ रही थी, नज़र को तो उसी समय पसंद आ गया था, अब जुबान को देखते हैं कि पसंद आता नहीं आता। लेट्स ट्राई। दीपक क्या कह रहा है इस बारे में? काफ़ी बढ़िया भाई। एक होते हैं ना शब्द होते हैं किसी चीज़ के लिए, मेरे पास इस चीज़ के लिए कोई शब्द नहीं है। क्योंकि बात करें अगर इनके ये मटन मसाला की ना, ये बेसिकली जो मटन है ना काफ़ी सॉफ्ट है, मटन के इसमें टिक्के डाले हुए हैं, जो इन्होंने इसकी सेमी ग्रेवी बना रखी है ना उसमें जो मटन के कीमा डाल रखा है ना उसके काफ़ी अच्छे चंक्स आ रहे हैं। ओवरऑल जो मेरा इसका एक्सपीरियंस है ना काफ़ी अच्छा है। दोनों चीज़ें मुझे काफ़ी पसंद आई हैं। जो इन्होंने मसाले डाल रखे हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, ओवर पावर नहीं है, बिल्कुल स्टैंडर्ड इन्होंने रखा हुआ है, खाने में काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं। भाई जो इनके शेफ साहब है ना उनका हाथ मसालों में ना बिल्कुल नपा तुला है, भाई जो वो खिला रहे हैं ना काफ़ी बढ़िया खिला रहे हैं। तो भाई जब तक हम ये फूड फिनिश करते हैं ना, आप हमारे सिनेमेटिक्स एंजॉय करो, जाना कहीं नहीं है, फिनिश करने के बाद आप लोगों से दोबारा मिलते हैं।
जो चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक को फॉलो कर सकते हैं। इसकी आईडी है खाना बदोश भाई दीपक यतिन, खाना बदोश भाई दीपक यतिन। भाई फूड हमने यहाँ का एंजॉय कर लिया, और फूड की बात करें ना काफ़ी बढ़िया था। जो भी इनकी आइटम्स थी ना वो काफ़ी डिफरेंट थी, और जो उसमें फ्लेवर्स डाल रखे थे ना वो भी काफ़ी अलग थे। मसालों का तो क्या ही बताएं आपको, भाई नबतुलात था, बिल्कुल नबतुलात। और जो इनके स्नैक्स थे ना वो भी काफ़ी बढ़िया थे भाई। थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा अगर हम रेट देखना तो थोड़े से हायर स्टैंड पे है, पर अगर क्वालिटी और क्वान्टिटी की बात करें ना तो ये उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि भाई जो ये रेट दे रहे हैं ना उसमें क्वालिटी भी दे रहे हैं, क्वान्टिटी भी दे रहे हैं, कि अगर एक बंदा यहाँ पे खाएगा या दो बंदे यहाँ पे खाएंगे ना तो पेट भर के जाएंगे। थोड़े से पैसे जरूर एक्स्ट्रा हैं, बट वो क्वालिटी और क्वांटिटी के। इनके जो मोमोज थे उसमें जो इन्होंने चिकन डाल रखा था ना, काफ़ी ज़्यादा चिकन डाल रखा हुआ था। मैं कह रहा हूँ एक मोमोज खाओगे ना पता चल जाएगा कि आप लोगों को चीज़ खाई है। वही अगर आप ये तीन पीस खा लोगे ना तो शायद आपका पेट भर जाएगा। बिल्कुल 120 रुपये का मील हो गया वो। रेंज यहाँ पर बहुत है, अगर आपको ऐसी चीज़ें खानी है डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल और डिफरेंट डिफरेंट नाम की, तो आप आ जाओ गन शॉट टिक्का, जो कि पड़ता है पिलर नंबर 338 के बिल्कुल सामने कीर्ति नगर टैगोर मार्केट में। तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो, होप करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो क्या करने हैं यतिन, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट करके मैं जरूर बताना आपको हमारी दिखाई वीडियो कैसी लगती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।